जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, हिट एंड रन मामलों में पुलिस करेगी पीड़ित को मुआवजा योजना के बारे में सूचित, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। दोस्तों आपको बता दें, हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों और घायलों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस से लेकर सरकार तक को दिशा निर्देश जारी किए ताकि पीड़ित और उसके परिवार को मुआवजा मिलना सुनिश्चित हो। वहीं दोस्तों आपको बता दें, देश भर में हिट एंड रन की बहुत अधिक दुर्घटनाएं दर्ज होने के और कम संख्या में पीड़ितों को मुआवजा मिलने के आंकड़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दुर्घटना के जिन मामलों में टक्कर मार करके भागने वाले वाहन का पता नहीं चलता तो पुलिस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवजा योजना के बारे में बताएगी और मुआवजा दावा करने की जानकारी देगी। दोस्तों आपको बता दें, कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ये योजना का मुआवजा बढ़ाने पर विचार करे। ये आदेश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित को मुआवजे के बारे में उचित निर्देश मांगने वाली याचिका पर दिए। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की योजना और सुनवाई में मदद कर रहे न्याय मित्र वकील गौरव अग्रवाल वे अन्य पक्षों के सुझाव दिखाते हुए इसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं के प्रस्तुत आंकड़े देखते से पता चलता है कि 2022 में 67,387 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई। फैसले में 5 वर्षों की दुर्घटनाओं के आंकड़े दे दिए गए हैं। आदेश में ये भी दर्ज किया कि हिट एंड रन मामलों में वित्त वर्ष 2022 से 23 में केवल 2005 मुआवजा दावे प्राप्त हुए, जिसमें से सिर्फ 95 मामलों में क्लेम सेटल हुआ। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 के तहत केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामलों में मुआवजा योजना बनाई है और ये योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इस योजना में हिट एंड रन दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। ये मुआवजा योजना हिट एंड रन के उन मामलों में है जहां वाहन टक्कर मार करके भाग जाते हैं और पता नहीं चलता कि किस वाहन ने टक्कर मारी है। कोर्ट ने पाया है कि इस योजना में मुआवजा पाने वाले पीड़ितों की संख्या बहुत कम है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में हिट एंड रन केस में 660 मौतें दर्ज हुई हैं।